الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله

सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाजिम जब कुफ़ार मक्का का सितम सारी हदें पार कर गया और अल्लाह पाक ने भी मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि वो माइग्रेशन यानी हिजरत कर सकते हैं तो मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुसर बसर करने लगे और अल्लाह पाक की इबादत करने लगे और दीन का काम करने लगे यानी दीन को फैलाने लगे लेकिन कुफ़ार मक्का अपने सितम और ज्यादतियों से बाज न आए और वो तरह तरह की तरकीब करते रहे कि किसी न किसी तरह मुसलमानों को तकालीफ पहुँचाते रहे इसी वजह से गजबाए बदर गजबाए अहद गजबाए खंदक और दीगर वाक्यात रोनुमा भी हुए नज़ीन वक्त गुजरता गया और हिजरत का आठवा साल आ गया मुसलमानों ने एक अरसय दराज से काबत शरीफ की जियारत नहीं की थी तो वो बेताब थे कि काबतल शरीफ की ज़्यारत करें काबतल शरीफ का तोाफ़ करें इस गर्ज से अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 हंड्रेड साहब करामवान हम के हमरा मक्का शरीफ गए और वहाँ पर इस इरादे से गए कि काबतुल्ला शरीफ का तवाफ़ करेंगे उसकी ज़्यारत करेंगे और उम्र की अदायगी करेंगे लेकिन कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को रोक दिया और उम्र की अदायगी से मना कर दिया नाजीन तवील मुजात चलते रहे आपस में बहस चलती रही बिल आखिर एक माहिदा तय पाया जिसे सुलह उदबीय के नाम से जाना जाता है उस माहे की तकरीबन शराइ बज़ाहिर मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं थी लेकिन अल्लाह पाक की अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम शराइत को मंजूर कर लिया और एक माहिदा तय पा गया नराइत में ये भी एक शर्त तय पाई गई थी कि दोनों फरीकन आपस में दस साल तक कोई जंग नहीं करेंगे और एक शर्त ये भी पाई गई थी इसमें कि अरब के दीगर कबाइल को अख्तियार होगा कि वो जिस की भी चाहे हिमायत करें और जिसकी भी चाहे मदद कर सकते हैं तो वो उन्हीं के साथ शुमार किए जाएंगे तो नाजिन अरब के दो ऐसे कबाइल थे जो आपसी दुश्मनी रखते थे एक अरसे से उनकी दुश्मनी चली आ रही थी जिसमें से एक बनु ख़्ज़ा था और एक बनु बकर था तो नाजिन इस शर्त की वजह से बनु ख़जा ने मुसलमानों की मदद और हमायत का एलान किया जबकि बनु बकर ने कुार मक्का यानि क्रैश की हमायत का ऐलान किया कुारक्ा और क्रैश और तमाम कबाइल ये बात जानते थे कि मुसलमान अपनी शराइ पर पूरा उतरेंगे जो मुआदा उन्होंने किया है वो उसे पूरा करेंगे तो उन्हें इस बात की तसली थी कि अब मुसलमानों की तरफ से कोई अटैक नहीं होगा मुसलमानों की तरफ से हम बिल्कुल महफूज हैं तो इसी बात को इसी मौके को गनीमत जानते हुए बनु बकर की एक शाख ने जिसका नाम था बनु नफासा उसने बनु ख़ुजा पर अटैक कर दिया अपना बदला लेने के लिए जिसमें बनु खुजा को बहुत जानी नुकसान हुआ नजीन जब यह बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहब करामवान को जमा फ़रमाया आपस में मशूर हुआ फिर नबी करीम सुफ़ार मक्का तक एक पैगाम पहुँचाया और उसमें तीन शराफ थीं प्यार आकाशल्ला वसम ने जो शरात रखी वो शराइ ये थी कि बनु ख़ज़ा के मकतूलिन के खून का बदला दिया जाए या बनु नफासा जिसने बनु खुजा पर अटैक किया था कुरैश उसकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाए या और तीसरी शर्त ये थी या फिर कुरैश ऐलान कर दें कि अब सुलह उदय का माह ख़त्म हो गया नजीन ये शराय सुनने के बाद कुरश ने यह ऐलान कर दिया कि हमने तीसरी शर्त को मंजूर कर लिया यानी सुलह सुलहरबिया का माह अब ख़त्म हो गया इसके बाद अल्लाह पाक के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर तैयार किया नाजी दस मुबारक का दिन था आठ हिजरी थी कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजार का लश्कर तैयार किया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए नाजीन ये वो दिन था कि ज़मीन व आसमान ने आज से पहले ऐसा लश्कर कभी ना देखा था नाजरीन उस लश्कर की नुमाइंदगी अंबिया कराम अलिम के सरदार खुद यानी नबी करीम सरमा रहे थे नाजीन ऐसा जोश व जज्बा साहब कराम अलिमरिदवान के पास

तो हज़रत अब्बास रदी उन्हें मिले और वो उन्हें लेकर प्यारे आका अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए नाजरीन जब हज़रत अबू सुफियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह पाक का उन पर ऐसा करम हुआ कि उन्होंने जैसे ही नबी करीम सल्लास के नूरानी चेहरे मुबारक चेहरे की तरफ देखा तो उनके दिल में ईमान की शमा रोशन हुई और वो प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुसलमान हो गए इस्लाम को कबूल कर लिया ईमान ले आए और आप रजी अल्लाह तहों के साथ जो आपके साथी थे वो तमाम भी कलमा गो हो गए और प्यारे आका अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए नाजीन मक्का की सरजमीन पर कदम रखते ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जो रहमतों भरा फरमान जारी फरमाया वो ये था कि आज के दिन जो शख़्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है जो अपने घर के दरवाज़े बंद कर लेगा उसके लिए भी अमान है और जो काबतुल्ला शरीफ में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है नाजिन ये फरमान जारी करने के बाद फिर जंग हुई और फिर मुसलमानों ने मक्का को फ़तह कर लिया अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद फरमाई और मुसलमानों को ऐसी अजीम शान फतह नसीब हुई जो तारीख़ में इससे पहले कहीं नहीं मिलती नजीम मुसलमानों ने काबतुल्ला शरीफ और मक्का मुकरमा को फतह कर लिया मक्का शरीफ को फतह करने के बाद पैर आक सल्हस करामवान के साथ में दाखिल हुए क़ाबतुल्ला शरीफ को बुतों से पाक किया नमाज अदा फरमाई फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए नासन अब ये वो वक्त था कि जब हजारों मश्रिकीनों कुफ़ार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमानों की हिरासत में खड़े थे अपना सर झुकाए इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमारे साथ क्या था नाज़ीन उन लोगों में वो लोग भी थे जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमले किए थे और मुसलमानों को कई ईजाएँ पहुँचाई थीं यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के बहुत ही करीब आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ततिल भी मौजूद थे लेकिन प्यारे आका सला वसम का दरिया रहमत जोश में आया प्यारे आका सल्ह वसम ने उन कुार मशरकिन की तरफ़ रहमत की नज़र फ़रमाई और उनसे पूछा कि मैं आज तुमसे एक सवाल करता हूँ बताओ मैं आज के दिन तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ नाज़ीन वो तमाम कुफ़ार और मश्रक जिसमें कुरेश के बड़े बड़े सरदारान मौजूद थे वो डूबे हुए लहजे में नाज्रन अपनी हल्की आवाज़ों के साथ ये अर्ज़ करने लगे कि आप तो बहुत रहीम हैं आप तो करीम हैं आप तो करम फरमाने वाले हैं आप हमारे साथ ज़रूर रहम करेंगे नाजिम फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ार और, और उन जालिमों की तरफ रहमत भरी निगाह करते हुए फरमाया कि आज के दिन मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे भाई यूसुफ़ ने अपने भाइयों के साथ किया था यानी मैं तुम सबको मेरी तरफ़ से आज़ाद करता हूँ मेरी तरफ़ से तुम्हारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं अल्लाह पाक तुम सबके गुनाहों को मवा फरमाए और बेशक वही सबसे ज्यादा रहम और करम फरमाने वाला है मेरी तरफ से आज तुम सब आज़ाद हो नाजीन ये वो लम्हा था जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रहमत भरा सलूक देख कर हजारों और कुफार मुसलमान हो गए उन्होंने देखा कि हमने व सितम की सारी हदें पार कर दी थी लेकिन प्यारे आका अलैहि वसल्लम की रहमत किस कदर बड़ी है कि उन्होंने तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और हम सबको मुआफ़ कर दिया वो भी इस सिचुएशन में कि जब तमाम की तमाम सिचुएशन मुसलमानों के अंडर कंट्रोल है हम मुसलमानों की हिरासत में हैं, आज हमारे साथ वो कुछ भी चाहे कर सकते थे हमें कैद कर सकते थे हमें दीगर सजाएं दे सकते थे हमें कत्ल भी किया जा सकता था लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माफ़ कर दिया इतने तम के बावजूद भी तो फिर प्यारे आका वसल्लम का ये रवैया देखकर ये नरमी और ये शफकत देखकर कर कई हज़ार मशरकिन और कुफार मुसलमान हो गए और इस्लाम की आगोश में आ गए नाजीम आपने पूरा वाकया समात किया कि उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और शफकत की वजह से कई लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हो गए नाजिन ये नरमी और शफकत ऐसी चीज़ है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इसके बारे में फरमाते हैं कि जिस चीज़ में नरमी हो वो आरास्ता हो जाती है और जिस चीज़ से नरमी निकाल दी जाए वो ऐबदार हो जाती है नाजिन आपने खुद समात किया कि नरमी और शफकत की वजह से कल तक जो लोग इस्लाम के खिलाफ थे मुसलमानों पर जुल्म म वितम किया करते थे जो तलवारें मुसलमानों के अगेंस्ट में उठती थी आज वो तलवारें इस्लाम के लिए सरबुलंद हो रही थी नाजिन ये नरमी और शफकत ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ों को आरास्ता कर देती है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देती है नाजिम यकीनन गुरूर और तकबर ये शैतान की तरफ से हमें भी चाहिए कि हम दुनिया में किसी भी मकाम पर पहुंच जाए किसी भी अहदे और मनसब पर हों नरमी और शफ़कत से हमेशा काम करते रहें और तकबर और गुरूर से बचते रहें अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हमेशा नरमी और शफकत वाले मामला करते रहने की तौफीक अता फरमाए और गुरू और तकबुस से महफूज फरमाएं नाजीम यकीन आज के इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मज़ीदी हासिल करते रहने की तौफीक अता फ़रमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए नाज़रीन इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में मजीद जानने के लिए हमारा प्रोग्राम प्रोफेटिक स्टोरीज जरूर देखते रहें और नबी करीम की सीरत के हवाले से तफसीली मालूम के लिए मकतबालमदीना की शाया करदा किताब सीरतल्बिया का जरूर मुताल करें नाजी यू कैन गुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू मीट अगैन इनशा इन द नेक्स्ट एपिसोड असल वरह वक्त